हे गाइस, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज चुके हैं। डिनर की तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी है। मेरे पास पालक रखी हुई थी, आलू पालक और सिर्फ पालक टमाटर की सब्जी तो मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इसकी एक अलग सब्जी बनाऊँ, जो कि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, पालक कोफ्ता करी। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने तो ट्राई किया होगा, बनाया भी होगा, तो आप कमेंट में बताइए कि आप लोगों को वो सब्जी कैसी लगती है। और मैं जैसे बनाऊंगी, अगर आप वैसा बनाएंगे और फिर बताइएगा कि आपको वो वाली सब्जी कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पालक को अच्छे से साफ करके धो लिया है। ये कोफ्ते के लिए ये लगेगा बेसन और हरी मिर्च और नमक डालूंगी और कुछ थोड़े बहुत सूखे मसाले डालूंगी, वो मैं आपको बता दूंगी बनाते समय। और करी के लिए लगेगा प्याज, मिर्ची, इसमें मैंने अदरक, लहसुन, खड़े मसाले लिए हैं जैसे तेज पत्ता, इसमें है लौंग, काली मिर्च, और इसमें है ये दालचीनी और एक है बड़ी इलायची। तो चलिए मैं आपको रेसिपी बताती जाती हूँ, जैसे मैं बनाती जाऊंगी आप उसको देखते रहिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। इसमें अभी और सामान लगेगा, वो भी मैंने यहाँ नहीं रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कोफ्ते बनाऊंगी, उसके लिए पालक को कट करूंगी। पालक हमारी कट गई है, कढ़ाई चढ़ा दिए, ऑयल डाल दिया है कोफ्ते के लिए। अब पालक में मैं सबसे पहले ऐड करूंगी ये बेसन। बेसन डालते जाएंगे और इसको अच्छे से मिलाते जाएंगे। पहले पानी नहीं डालेंगे, पहले अच्छे से बेसन को पालक में मिला लेंगे। और बेसन ले लिया है, कम पड़ रहा था, थोड़ा सा पानी भी ऐड करूंगी। जब तक ये कोफ्ते जैसे ऐसा बंधने न लगे उतना अपने को बेसन मिलाना है। ये हमारा बंधने लगा है, कोफ्ता आसानी से बन जाएगा। अब इसमें बेसन मिलाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें मैं मिलाऊंगी थोड़ा सा धनिया पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, कुल जरा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा एवरेस्ट का, आधा चम्मच एवरेस्ट का गरम मसाला, इतना नमक डालूंगी और सबको अच्छे से मिला लेंगे। इसमें काट के 2 हरी मिर्च डाल देंगे, बीच से ऐसे काट के छोटी छोटी से। हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं जिससे ये चिपके नहीं। कोफ्ते हो गए हैं, अब इनको बाहर निकाल देंगे। कोफ्तों को इसमें नैपकिन पेपर में निकाल लेते हैं। अब करी के लिए मसाला पीसेंगे मिक्सी में। इसके लिए हम ये प्याज काट लेंगे, हरी मिर्च काट लेंगे, लहसुन और अदरक भी डाल देंगे। मसाला पीस लिया मैंने, इसमें 2 चम्मच के करीब
ऑयल डाल दिया है। इसमें मैं पहले तेज पत्ता डालूंगी। ये दालचीनी डाल रही हूँ। बड़ी इलायची को तोड़ करके डाल देंगे। ये लौंग और काली मिर्च उसको भी डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा जीरा डालेंगे। जो मैंने प्याज हरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था वो डालेंगे। मुझे किनारे से तेल फूलने लगेगा तब मैं इसमें सूखे मसाले ऐड कर दूंगी। तेल फूलने लगा किनारे से, 2 चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी। आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच अदरक का गरम मसाला। गैस को स्लो कर लेंगे। मैंने जो टमाटर की प्यूरी बनाई है वो डालेंगे। अब इसमें मैं भुना हुआ 2 चम्मच बेसन डालूंगी। अगर आपके पास भुना हुआ बेसन नहीं है तो आप थोड़े से तेल में ही कच्चे बेसन को डाल करके पका करके फिर उसमें ऐड कर दीजिएगा। 2 चम्मच ही डालूंगी सिर्फ। इसको अच्छे से मिला करके थोड़ा देर के लिए भूंज लेंगे। मैं नमक ऐड करूंगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप करिए। इसमें से आपको तेल छोड़ता हुआ नजर आए जब तक इसको चलाते रहेंगे। इसमें मैं फ्रेश घर की ही दूध की मलाई ऐड करूंगी। 2 चम्मच ऐड कर देती हूँ। इसमें मलाई ऐड करो तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट लगता है और अपनी सब्जी रिच भी दिखने लगती है। अच्छा सा कलर लाना है इसके लिए कश्मीरी लाल मिर्च एवरेस्ट का मैं डाल रही हूँ। देखिए मसाले से तेल नजर आने लगा है। अलग मसाला हमारा अच्छे से भून गया है। इसमें पानी ऐड करेंगे। मसाला पकेगा तो पानी कम हो जाएगा। इसमें और पानी ऐड कर लूंगी। जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता इसको चलाते रहेंगे। सब्जी उबलने लगी है और धीमी आंच करके इसको थोड़ा देर पकने देंगे। ये थोड़ा गाढ़ी हो गई। अब इसमें कोफ्ते डाल देते हैं। कोफ्ते डाल के इसको थोड़ा देर ढक करके पका लेंगे। ये हमारी पालक कोफ्ता करी बिल्कुल रेडी हो गई है। ये हमको जितनी करी चाहिए थी उतनी है, क्योंकि अभी ये ठंडा हुआ तो थोड़ा और थिक होगा, तो इसलिए मैं अब गैस को बंद कर देती हूँ। देखिए हमारी पालक कोफ्ता करी रेडी हो गई है। आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ या पराठे के साथ या आप चावल के साथ भी इसको खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। देखने में तो बहुत सुंदर लग रही है, खाने में कैसी है उसका रिव्यू तो बच्चे और हस्बैंड देंगे। मैं तो फर्स्ट टाइम बनाई हूँ। तो पालक कोफ्ता करी रेडी हो गई है, बस मैं अब रोटी बनाऊंगी। और अगर कोई कहेगा कि चावल खाना है तो थोड़ा सा चावल भी बना दूंगी। वैसे ये चावल के साथ रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी लगेगी आई थिंक,
क्योंकि मैंने तो पहली बार बनाई और मैंने पहले कभी खाई भी नहीं है, तो पता नहीं कैसे लगने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और प्लीज़ कमेंट जरूर किया करिए, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा इससे। क्या है कि मैं इतने वीडियो बनाती रहती हूँ और कमेंट मुझे उतने नहीं मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो रही हूँ। तो प्लीज़ आप मोटिवेट करेंगे तो मैं कंटिन्यू ऐसे वीडियो बनाती रहूँगी, क्योंकि वीडियो बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है। देखिए अभी कितना पसीना हो रहा है, क्योंकि वीडियो बनाते समय हम ना फैन ऑन कर सकते हैं और ना ही एग्जास्ट, ना चिमनी, कुछ भी ऑन नहीं कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही पसीने में मैं किचन में लगी रहती हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।